Hi friends, I'm back. I'm Swati. Here's my English video. इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे सीटेड पेपर वन का. ओके नहीं नहीं सॉरी सीटेड पेपर टू का. ये सीटेड पेपर टू का है. इसमें अगर आपने जब सीटेड का फॉर्म फिल किया होगा उसमें सिलेक्शन करना होता है हमें लैंग्वेजेस में कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज वन चूज़ करनी है या लैंग्वेज टू चूज़ करनी है. तो अगर आपने लैंग्वेज वन चूज़ किया है इंग्लिश को तो ये वो पार्ट है. लैंग्वेज वन अगर चूज़ किया है तो उसमें ऐसी इंग्लिश आती है, ये वाला लेवल आता है. ये पेपर टू की बात कर रहे हैं हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है अभी हम मैंने यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश पोर्शन के. तो इसमें मैंने 106 से 120 तक इसलिए लिया है क्योंकि मैंने प्रोज और पोइट्री की एक वीडियो अलग से बनाई है. उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता इसलिए मैंने वो अलग से एक वीडियो बनाई है. वो इससे पहले ही अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं. वो प्रोज और पोइट्री की अलग से है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें 106 से 120 तक क्वेश्चंस होंगे. ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चुनने हैं. ठीक है चूज़ करने हैं. क्वेश्चन नंबर 106. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन के अंडर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है. अब हम पहले जानना चाहिए हमें कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन क्या होता है. जो सिलेक्शन और ग्रेडिएशन का प्रिंसिपल है उसमें कहा गया है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं उससे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे. तो लैंग्वेज का सिलेक्शन टू टीच एंड ग्रेडिएशन मतलब कि जो हमारे पास लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आइटम्स हैं, जितने भी मटेरियल है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज मटेरियल एंड आइटम्स, उसको ऑर्डर में कैसे रखना है, उसको ऑर्डर में प्लेस कैसे करना है, कि कौन सी हमें कब यूज़ करनी है, कौन सी हमें कब यूज़ करनी है, इस चीज़ को हम ग्रेडिएशन कहते हैं. प्लेसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल एंड ऑर्डर. ओके तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब आप जानते हैं, एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट, करेक्टनेस होती है एक्यूरेसी का मतलब. सेकेंड ऑप्शन इज़ अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब कि जिसमें हर जगह जो अवेलेबल हो लैंग्वेज की कितनी अवेलेबिलिटी है. थर्ड कवरेज कि वो कितनी लैंग्वेज को कवर कर, कितना पोर्शन कवर कर रहे हैं लैंग्वेज में. फोर्थ ऑप्शन फ्रीक्वेंसी कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी कितना हमने टोटल वो लिया है, कितने मेथड्स यूज़ किए हैं, ये सब. ठीक है कैसे पढ़ाई है. और हाँ इसमें पूछा गया है कि इनमें से प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ग्रेडिएशन में क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या चीज़ नहीं आती. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी नहीं आती है कि हमने बिल्कुल ही करेक्ट एकदम एग्जैक्ट चीज़ सीखी है, सीखी गई है या नहीं. इसमें बाकी अवेलेबिलिटी कवरेज और फ्रिक्वेंसी तीनों इंक्लूड होते हैं. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 107. द फिनोमेना वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज होमोनिम्स, होमोग्राफ, पॉलीसेमी, होमोनिमी. इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं. ये इंग्लिश टर्म्स हैं हमारी. ठीक है इनमें पहले हम इनका मीनिंग जानेंगे कि ये होती क्या है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे. होमोनिम्स. होमोनिम्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो स्पेलिंग में भी सेम होते हैं और प्रोनंसिएशन में भी सेम होते हैं. जो बोलने में भी सेम होते हैं, जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है, बट जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है. अब मैं होमोनिम का एक एग्जांपल देती हूँ. होमोनिम का एग्जांपल है जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया होमोनिम का लेफ्ट. लेफ्ट के दो मीनिंग्स हो जाएंगे. ठीक है और स्पेलिंग भी सेम रहेगी. एक लेफ्ट का मीनिंग हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बाया. लेफ्ट कुछ भी हो सकते हैं बाया. और दूसरे लेफ्ट का मीनिंग हो जाएगा बचा हुआ. लेफ्ट जिसे बोलते हैं बचा.
ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्पेलिंग के, एक ही वर्ड के अलग मीनिंग हो गया, और वो प्रोनंसिएशन में भी सेम है। इसको भी लेफ्ट बोलते हैं, इसको भी लेफ्ट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग भी सेम है, बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होमोनिम्स कहलाते हैं। अब आएंगे हम होमोग्राफ। होमोग्राफ कैसे वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनंसिएशन में डिफरेंट होते हैं बट मीनिंग में सेम होते हैं और स्पेलिंग में भी सेम होते हैं। सॉरी कुछ गलती हुई है। हाँ, होमोग्राफ वो वाले वर्ड्स होते हैं जो प्रोनंसिएशन और मीनिंग दोनों में डिफरेंट होते हैं एंड स्पेलिंग में सेम होते हैं। आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये सब अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि होमोग्राफ कौन से वर्ड्स होते हैं। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट इन प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग। मीनिंग और प्रोनंसिएशन में वो डिफरेंट होते हैं बट सेम इन स्पेलिंग। सेम इन स्पेलिंग आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। होमोनिम्स मैंने क्या बताए थे, जो स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन में सेम होते हैं बट मीनिंग में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने लेफ्ट, एक लेफ्ट का मतलब हो गया बचा हुआ और दूसरे का बाया। अब होमोग्राफ, होमोग्राफ का मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड है बियर। बियर को हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी प्रोनंसिएशन भी अलग होती है, मीनिंग भी अलग होते हैं, बट वो लिखते एक ही तरीके से हैं। अब इसका एग्जांपल आपने ये लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ कि स्क्रीन शॉट है तो जगह इतनी नहीं है। होमोग्राफ का एग्जांपल हम ले लेते हैं जो प्रोनंसिएशन और मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि बियर। एक बियर होता है एनिमल, ठीक है, भालू, और एक इसको हम बियर प्रोनाउंस करते हैं। एक होता है बेर, इसको हम बेर बोलते हैं। बेर, बेर मतलब कि सहना, टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट। तो ये एक ही वर्ड है लेकिन इसको प्रोनाउंस भी दो तरीके से किया जा रहा है यहाँ पे, और मीनिंग भी अलग हो रहे हैं लेकिन स्पेलिंग सेम है, तो इसको होमोग्राफ कहेंगे। अब आएंगे हम पॉलीसेमी पे। पॉलीसेमी कौन से वर्ड्स होते हैं, जो एक ही वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वन वर्ड, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हम इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू। इसका एग्जांपल है ब्लू। ब्लू कलर भी है एक, ठीक है, अभी आप इसको लिख लीजिए पहले, मैं इरेज करके फिर बताऊंगी। पॉलीसेमी आर दोज वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं ब्लू। ब्लू इज अ कलर एंड ब्लू, इसका मतलब सैड भी होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब में भी यूज होता है ब्लू, कि सैड फील करना, ठीक है, सैड। इसके दो मतलब हो गए, एक ही वर्ड के यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स हो गए हैं जिसको हम पॉलीसेमी वर्ड्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब आता है फोर्थ ऑप्शन, होमोनिमी। होमोनिमी वो वर्ड्स होते हैं जो दोनों को इंक्लूड करता है, होमोनिम्स और होमोग्राफ को, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, होमोग्राफ एंड होमोनिम। आप मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप दोनों लिख लीजिएगा। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बनता है होमोनिमी, ठीक है। होमोनिम्स और होमोनिमी में कंफ्यूज मत होइएगा। होमोनिम्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेम इन स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, और होमोनिमी जो फोर्थ ऑप्शन है वो दोनों वर्ड्स को, कैटेगरीज को इंक्लूड करता है, होमोग्राफ और होमोनिम्स। ओके, चलिए, तो इसका इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द फिनोमेना वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज, कि उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे एक ही वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा मीनिंग से रिलेट करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पॉलीसेमी का मतलब होता है एक ही वर्ड जिसके डिफरेंट मीनिंग हो, तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा,
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा पॉलीसेमी, थर्ड ऑप्शन. ओके, मैंने ऊपर 106 का आंसर आपको क्या बताया था, एक्यूरेसी. आपने नोट किया था ना, मैंने वहाँ में टिक नहीं लगाया था. क्वेश्चन 107 का पॉलीसेमी एंड 106 का एक्यूरेसी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. 108, द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये एक सेंटेंस है, ठीक है. इसमें पूछा है कि ये किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है, कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस का एग्जाम्पल है. तो इसमें पहले हमें चारों टाइप्स सीखने होंगे, ये जो लिखे हैं ऑप्शन में. सबसे पहले आप देखिए, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक ही क्लॉज आता है, जिस पूरे एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज आता है. अब आपको जानना होगा कि क्लॉज क्या होते हैं. क्लॉज वो होते हैं कि क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूड सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे, एक सेंटेंस लिखा है, उसमें ग्रुप वर्ड्स की ग्रुपिंग हो रही है, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो रहा है उसमें एक सेंटेंस में, और एक वर्ड वर्ब है, क्रिया भी आ रही है उसमें. तो ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलाकर एक क्लॉज माना जाता है, ठीक है. अब सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक ही क्लॉज आता है पूरे एक सेंटेंस में. और सेकेंड ऑप्शन में आता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस वो, सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आता है. पूरे एक सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं ये भी सीखना पड़ेगा. डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माने जाते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होते, सॉरी जो किसी माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है. हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रही हूँ मैं, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो किसी पर डिपेंड ना हो. तो आप इसी से इसको याद रख सकते हैं कि वो क्लॉज जो दूसरे क्लॉजेज या दूसरे सेंटेंस में पर डिपेंड ना हो, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. मतलब अ क्लॉज दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो खुद में ही एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माना जाए, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और जिसमें एक सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो और प्रेडिकेट भी इंक्लूड हो. प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो कि वर्ब को, क्रिया को डिफाइन करता है. अब मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. ही रैन फास्ट. ही रैन फास्ट आप लिख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए. ही रैन फास्ट, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है ही, और वर्ब क्या है रैन, और फास्ट क्या है प्रेडिकेट, ठीक है. इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है. तो ये अपने आप में किसी और सेंटेंस पे ये डिपेंड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट माना गया है सेंटेंस. तो इस पूरे एक सेंटेंस को एक क्लॉज कहेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है. अब आता है डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं, जैसे अ क्लॉज विच डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और एक कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो डिपेंड होते हैं किसी दूसरे क्लॉज पर. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज का. आप लिख लीजिएगा एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन वी अराइव्ड इन क्लास. अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है व्हेन वी अराइव्ड इन क्लास, जब हम क्लास में पहुँचे. तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इनकम्प्लीट सेंटेंस मतलब इसके आगे भी कुछ आएगा, ये पूरा नहीं है, ठीक है. तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज माना जाएगा, क्योंकि ये अभी दूसरे पार्ट पे डिपेंड है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है. तो ऐसे क्लॉजेस को हम कहते हैं सेंटेंसेस को डिपेंडेंट क्लॉज. अब आपको डिफरेंस पता चल गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में. तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच कंटेन्स एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर आए, उसे ज़रूर आना चाहिए, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. अब है थर्ड ऑप्शन. सेकेंड में था कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये दोनों का मिक्सचर है. कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि ऑप्शन थर्ड भी कवर हो गया. अब ऑप्शन फोर कंपाउंड. कंपाउंड सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच कंसिस्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज.
कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन करें। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, ठीक है, वो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस है, ये दोनों मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर मिक्स करके ऑप्शन दिया गया है। चलो तो अब हम सेंटेंस पे आते हैं 108 की। द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट कैट हु वॉज स्मार्टर लिव्ड आउटसाइड लिव इनसाइड द हाउस। इसका मतलब वो डॉग गार्डन के गार्डन में रहता है और जो कैट है वो स्मार्टर है डॉग से, वो इनसाइड दी हाउस रहती है, घर के अंदर रहती है और वो घर के बाहर रहता है डॉग गार्डन में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा टाइप है ये, किस टाइप का सेंटेंस है ये। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो से ज़्यादा क्लॉज भी आ रहे हैं। द डॉग लिव्ड इन द गार्डन ये एक क्लॉज हो गया, बट द कैट ये एक क्लॉज हो गया, हु वॉज स्मार्टर ये एक क्लॉज हो गया, और लिव्ड इनसाइड द हाउस ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है। अब इसका सही ऑप्शन मैं बताऊंगी आपको, सेकंड, इसका आंसर है सेकंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने आपको क्या बताए थे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज आए। अब इसमें देखिए, द डॉग लिव्ड इन द गार्डन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज माना जाएगा, क्योंकि डॉग गार्डन के गार्डन में रहता है, इसके आगे कुछ जो और ना जोड़ा जाए तो भी एक कंप्लीट सेंटेंस, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द लॉग लिव्ड इन द गार्डन, तो इतना इतना जो ये हुआ, एक सेकेंड, इतना जो ये हुआ पोर्शन, द डॉग लिव्ड इन द गार्डन, इतना पोर्शन ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज का। आप लिख लीजिए, द डॉग लिव्ड इन द गार्डन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट द कैट, बट द कैट एक कैट, इसके आगे कुछ और भी आएगा, बट द कैट जो कैट के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं पूरा नहीं, अगर हम इसे बट द कैट देखें कॉमा है उसके बाद, तो ये बट द कैट जो गया उसके आगे कुछ और भी आना है, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा बट द कैट, क्योंकि उसके आगे कुछ और भी आया है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है। हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस, ये सेंटेंस इसको पूरा कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट है ना, बट द कैट हु वॉज स्मार्ट और लिव्ड इन साइड द हाउस, ये पूरा मिलके एक सेंटेंस बनाए। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज ये है बट द कैट, जो कि डिपेंड है दूसरे आगे की क्लॉज पर भी, अगर हम आगे के सेंटेंस नहीं जोड़ते हु वॉज स्मार्टर एंड लिव्ड इन साइड द हाउस तो ये इनकम्प्लीट रहता बट द कैट, तो अब इसमें हमने जोड़ा है तब जाकर ये कम्प्लीट हुआ है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो हमने देख लिया कि क्या क्या है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के, अब आएगा कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन करें, कंसिस्ट करें। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें ये मिल गया था कंपाउंड सेंटेंस के लिए, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हम ये भी लिख सकते हैं, द कैट हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इन साइड द हाउस। इस पूरे को अगर एक हो गया द डॉग लिव्ड इन द गार्डन, और दूसरा हो जाएगा ये पूरा, बट द कैट हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इन साइड द हाउस, ठीक है। ये इस पूरे सेंटेंस को एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज मानेंगे, क्योंकि ये पूरा एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज माना जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में, अगर आपको चाहिए तो इसको दोबारा पॉज करके आप सुन सकते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दोनों की करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं। द डॉग लिव्ड इन द गार्डन इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट द कैट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इन साइड द हाउस, ठीक है। और जो कंपाउंड का है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आए कम्प्ली इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो फर्स्ट था द डॉग लिव्ड इन द गार्डन, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ द कैट लिव्ड इन साइड द हाउस, ठीक है। इसका सर करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है।
Now move on to next question. 109. If a student of language is cramming his her answers, then he she would not be able to. Not be able to. Wait a minute. हाँ, if a student of language is cramming, cramming मतलब होता है कि जब हम last time पे पढ़ते हैं, जब हम कम समय में पढ़ते हैं और हम रटते ज़्यादा हैं उसे, ठीक है, समझ कर नहीं पढ़ना. तो इसमें बोला है अगर अपने आंसर कोई भी बच्चा क्रेमिंग कम रटता है, शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ता है, तो वो इनमें से किस चीज़ के लिए एबल नहीं होता. फर्स्ट ऑप्शन इज़ अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स तो अटेम्प्ट कर लेगा वो, जब उसने थोड़े टाइम के लिए पढ़ा है लेकिन अटेम्प्ट तो वो कर पाएगा, कुछ तो लिखेगा वो. अटेम्प्ट वोकेबलरी बेस्ड एक्सरसाइज, वोकेबलरी बेस्ड को भी अटेम्प्ट तो वो कर ही सकता है, कुछ ना कुछ उसे याद रहा होगा. तो अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चन. स्ट्रक्चरल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमें फ्रेम करना होता है, जिसमें हमें स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स को याद करके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. स्ट्रक्चरल क्वेश्चन जिसमें हमें वर्ब्स, सब्जेक्ट्स, इन सबको अरेंज करके स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस करने, फ्रेम करने होते हैं. फोर्थ, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग. वो अटेम्प्ट तो कर सकता है स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस भी, ठीक है, लेकिन अगर वो रट रहा है, उसे थोड़े टाइम के लिए याद होंगे, मेमोराइज होंगे वो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाएगा इनमें से. बाकी सब चीज़ें वो कर सकता है, क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट कर सकता है, वो कैबलरी बेस्ड एक्सरसाइज भी, स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस भी. बट क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जो हमें खुद से करनी पड़ती है, जिसमें हमारी कंस्ट्रक्टिव नॉलेज यूज़ होती है, जो हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब इसमें जब उसमें वो रटे हैं, मेमोराइज किए हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उसे याद रहेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, और वो फुल्ली नहीं यूज़ कर पाएगा अपनी नॉलेज को, अपनी खुद मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा खुद से, उसने रटा रटाया होगा वो. इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन है. द ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. 109 का ऑप्शन नंबर फोर है सही आंसर. ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110. ठीक है, 110 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. ड्यूरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट इज पियर्सिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज द रीडर टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ही शी इज इन्फरिंग, स्किमिंग, पैराफ्रेजिंग, सिंथेसाइजिंग. इन्फरिंग, इन्फरिंग पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इसमें बोला गया है. पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 110 इज सेइंग दैट इफ अ स्टूडेंट इज पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन, अगर पढ़ते वक्त वो इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन में घुस रहा है पूरा, उसमें उसको ध्यान से एकदम पिक्चराइज भी कर रहा है, उसको एज्यूम भी कर रहा है कि क्या चल रहा है उसमें. एज दे रीड अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते समय वो उसमें घुस जा रहा है, मतलब एकदम एज्यूम करके वही चीज़ पढ़ रहा है, तो वो इन चारों ऑप्शन में से क्या माना जाएगा, किस टर्म को, क्या टर्म इस चीज़ को डिफाइन करेगी. सबसे पहले हम मतलब समझते हैं इन्फरिंग का. इन्फरिंग का मतलब होता है यही कि एज्यूम करना, पढ़ते वक्त किसी भी चीज़ को एज्यूम करना, जब हम कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं हम वैसा ही सोच रहे हैं जैसे उसमें लिखा है, तो वो एज्यूमिंग हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन इज स्किमिंग. स्किमिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उस पर पढ़ना, मूव क्विकली थ्रू सेंटेंसेज और वर्ड्स, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेना. और पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को रिपीट करना, बार बार बोलना, बट हर बार डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके उसी चीज़ को बोलना, ठीक है. सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है कि समराइज करना, किसी भी टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद समराइज करके अपना कंक्लूजन निकालना, ठीक है. तो इसमें बच्चा अगर किसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से मतलब पिक्चराइज करके पढ़ रहा है, वही चीज़ एज्यूम कर रहा है जो उसमें लिखी है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इन्फेरिंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन्फेरिंग. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन में क्या कहा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन. इंटोनेशन को इनमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती है.
सबसे पहले हम इंटोनेशन का मतलब समझते हैं। इंटोनेशन तो आपको पता ही होगा, इंटोनेशन होता है कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, हमारी जो वॉइस निकलती है उसमें हम किसी चीज़ को तेज़ बोलते हैं या छोटा बोलते हैं, पिच हमारी जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, राइज़ और फॉल आता है पिच में और वॉइस में, तो उस चीज़ को हम इंटोनेशन कहते हैं, जिसमें हमारी टोन भी यूज़ होती है, रिदम भी यूज़ होती है और लाउडनेस भी यूज़ होती है। अब इसमें कहा गया इंटोनेशन में, इंटोनेशन को इन चारों में से क्या अफेक्ट नहीं करता है। पहला ऑप्शन है वॉइस, वॉइस और प्रोनंसिएशन। वॉइस तो अफेक्ट करती है, वॉइस उसमें यूज़ भी होती है और प्रोनंसिएशन भी अफेक्ट करती है। प्रोनंसिएशन मतलब होता है किसी वर्ड को किस तरीके से पढ़ना, उसे कम वॉइस देकर पढ़ना, उसे ज़्यादा पिच पे पढ़ना, ठीक है। टोन, टोन भी इसमें यूज़ होती है। अभी मैंने बताया कि इंटोनेशन में टोन, रिदम और लाउडनेस तीनों चीज़ का यूज़ होता है, तो टोन भी इसको अफेक्ट करती है। और थर्ड ऑप्शन इज़ रिदम, रिदम भी इसको अफेक्ट करती है कि हम उसे रिदमिक वे में, किस वे में पढ़ रहे हैं, सीरियस वे में या पोएटिक स्टाइल में या रिदमिक वे में, ठीक है। और लाउडनेस, एक सेकेंड, इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि वॉइस, सॉरी इसमें वॉइस जो है वो अफेक्ट नहीं होती है, प्रोनंसिएशन अफेक्ट नहीं होती है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा है कि इंटोनेशन को इस इन चार चीज़ में से कुछ क्या चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। इंटोनेशन का मतलब होता है कि बोलने में उतार और चढ़ाव आना, राइज और फॉल ऑफ योर वॉइस वाइल यू आर स्पीकिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन वॉइस है, वॉइस और प्रोनंसिएशन, इसको कैसे अफेक्ट नहीं करता इंटोनेशन। इंटोनेशन में टोन, रिदम और लाउडनेस आती है कि हम किस टोन में उसे बोल रहे हैं, रिदमिक वे में बोल रहे हैं या फिर किस स्टाइल में बोल रहे हैं, और लाउडनेस, चिल्लाकर बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, ये सब उसमें आता है, लेकिन वो वॉइस को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। प्रोनंसिएशन मतलब कि जैसे किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं हम, उसको कैसे बोलना चाहिए हमें, ये चीज़ उसमें अफेक्ट नहीं करती। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन दिया गया है जो, वो है फर्स्ट, वॉइस और प्रोनंसिएशन इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। ओके, थिंकिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट वन चूज़ करना है। फर्स्ट है इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रपोजिशन। इमेज तो आपको पता ही है, किसी चीज़ की पिक्चर। लैंग्वेज जो भाषा हम यूज़ करते हैं। थिंकिंग मतलब सोचना, उसमें इमेज भी यूज़ होती है, लैंग्वेज भी, इमेजिनेशन भी यूज़ होती है, प्रपोजिशन, सजेशन। उसमें लैंग्वेज तो यूज़ होती है थिंकिंग में, इमेजिनेशन भी यूज़ होती है, बट इमेज यूज़ नहीं होती। इमेज का मतलब यह हो गया कि फॉर्म हुई, ठीक है। अब जैसे हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो उसमें हमें प्रपोजिशन का मतलब होता है सजेशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इमेज, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन। इमेज, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन। अरे हाँ, इसमें ना हमें सीरियल वाइज लगाना है। यूज़ तो सब कुछ होता है थिंकिंग में, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आती है, ये चीज़ हमें सीरियल वाइज लगानी है थिंकिंग में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या था, इमेज। पहले इमेज फॉर्म नहीं होती है, पहले हम सीधा जब सोचेंगे तो इमेज फॉर्म, पहले इमेज तो नहीं आएगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड में भी इमेज फर्स्ट है, तो इमेज पहले नहीं आएगी, क्योंकि जब आप कुछ भी सोच रहे हो तो सबसे पहले उसकी पिक्चर आपके दिमाग में, पहले आप सोचोगे, लैंग्वेज का यूज़ करोगे, उसके बाद कहीं जाकर इमेज फॉर्म होगी, सबसे पहले इमेज नहीं बनती। नाउ क्वेश्चन नंबर भी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन। हाँ देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं तो इमेजिन करते हैं, मतलब जैसे हम किसी भी एक टॉपिक पर ले लेते हैं कि आज हम खुश हैं, तो खुश का आपका इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे खुश होते हैं उस, ठीक है।
और उसके बाद आपको एक्सप्रेस करने के लिए, उसे थोड़ा और सोचने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करना है, उसे एलैबोरेट करने के लिए थिंकिंग को. तो लैंग्वेज आएगी इमेजिनेशन के बाद, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है. कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें जितना भी पता है, हम उस चीज़ को उसमें यूज़ करें, ठीक है. और जैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, सीरियल वाइज सीरिएशन भी यूज़ होता है, ठीक है. और प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब होता है सजेशन, कि हम जब किसी चीज़ को सोचते हैं, कि जैसे हम आज खुश हैं, तो हमें और चीज़ की अपने आप को खुद सजेस्ट करते हैं कि हमें और सजेशंस क्या होने चाहिए हमारे हैप्पीनेस को लेकर, ठीक है. तो ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट लग रहा है कि ये सीरियल वाइज है. पहले इमेजिन किया, फिर लैंग्वेज यूज़ की, फिर कॉन्सेप्ट पे आए, फिर प्रपोजिशन सजेशंस दिए. ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. 112 का ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ठीक है. आप क्वेश्चन फोर्थ भी देख लेते, सॉरी ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं, वो कह क्या रहा है. वैसे तो ये करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन फोर भी देख लेते हैं. इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन. इसमें भी इमेज फर्स्ट है. पहले तो हमारी इमेज नहीं बनती ना. अब जैसे आपने सोचा कि आज हम खुश हैं, तुरंत इमेज नहीं बनेगी. पहले आप सोचेंगे, खुश से रिलेटेड और चीज़ें, लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे पूरा एक, फिर आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी. उसके बाद प्रपोजिशंस सजेशंस दोगे आप, ठीक है. इमेजिन करना वो होता है कि कुछ भी सोचना, एज्यूम करना कुछ भी. और इमेज मतलब प्रॉपर इमेज, किसी चीज़ की पिक्चर. लेकिन जब आप इमेजिन करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती वो, ठीक है. इमेज कॉन्स्टेंट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. Language laboratory is a place where the learners have to listen on headphone. Language laboratory एक वो place है जहाँ पे जो learners होते हैं उनको सुनना होता है. किस चीज़ को use करके? Headphones को का use करके. The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop. जो ये language labs होती हैं जहाँ पे laboratory को use करके language सिखाई जाती है, वो एक ऐसे सेट्स होती हैं जहाँ पर लिसनिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं चीज़ें, ठीक है. लिसनिंग एक्टिविटीज़ को कराने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप. कि इन चार ऑप्शन में से वो क्या चीज़ डेवलप करती है, जो ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है उससे क्या चीज़ डेवलप होती है, इसका आंसर हमें चूज़ करना है. फर्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस हैबिट. एनालिसिस हैबिट मतलब कि हम किसी चीज़ का एग्जामिन कर पाएँ, किसी चीज़ को एनालिसिस कर पाएँ उसका. तो नहीं, लैंग्वेज में तो कुछ मतलब एनालिसिस इतना वो नहीं है इम्पॉर्टेंट. और क्वेश्चन ऑप्शन टू, स्पीच हैबिट. हाँ, स्पीच हैबिट जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है लैंग्वेज में? स्पीच, कि हम उसको किस तरीके से पकड़ रहे हैं, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं स्पीच में. इंटोनेशन, प्रोनंसिएशन, सब चीज़ें, ठीक है. वोकैबुलरीज, लिसनिंग, स्पीकिंग, जितनी भी चारों स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की. तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि लैंग्वेज लेबोरेटरी यूज़ करी जाती हैं लिसनिंग एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करने में, इन ऑर्डर टू डेवलप स्पीच हैबिट. स्पीच हैबिट हमारी अच्छी हो सके इस वजह से हमें लिसनिंग एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी में. थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, वैसे करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रिटिसाइजिंग हैबिट, कि हैबिट को क्रिटिसाइज़ करना. क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है कि उसको छोटा करना या फिर शॉर्ट करना, मतलब ऐसे ही, ठीक है. लिमिट करना. और ये इसलिए तो हम नहीं करते ना लिमिट करने को, हम हैबिट को लिमिट करने का नहीं सिखाते. लिसनिंग एक्टिविटीज़ की तो यहाँ बात ही हो रही है, वो ही डेवलप करेंगे. लिसनिंग एक्टिविटीज़ डेवलप की जाती हैं स्पीच हैबिट के लिए, ठीक है. इन ऑर्डर टू डेवलप स्पीच हैबिट. क्वेश्चन नंबर 114. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज टू टीच ग्रामर, फॉरेन लैंग्वेज, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूसेज, क्लासिकल लैंग्वेज. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है? पढ़ाने में.
ग्रामर पढ़ाने में या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने में या ग्रामर लैंग्वेज के रूल्स यूज़ कैसे करते हैं वो पढ़ाने में या क्लासिकल लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर तो आपको पता ही है, व्याकरण जितनी भी चीज़ें होती हैं वर्ब नाउन ये सब प्रोनाउन जिसमें आते हैं। फॉरेन लैंग्वेज मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज को सिखाने में, जैसे कि स्पेनिश जर्मन मतलब किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को हम सिखाने में, ठीक है। और थर्ड है किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को यूज़ करना सिखाना। और फोर्थ है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। पुराने टाइम्स में उनको ज़्यादा यूज़ होती थी, वो एंशियंट लिटरेचर कंटेन करती हैं, ठीक है, एंशियंट लैंग्वेजेस होती हैं ये। अब इसमें कहा है ग्रामर ट्रांसलेशन इज मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच द करेक्ट ऑप्शन इज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाने में ग्रामर ट्रांसलेशन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रिब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। रिब्रिक का मतलब यहाँ समझेंगे पहले। रिब्रिक का मतलब होता है टाइटल देना किसी को, हेडिंग देना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शंस दिखाना। और कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज, कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन से एक सेंस, एक जनरल सेंस दिखना या समझना, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी लैंग्वेज में, फ्लुएंसी का अगर हमें असेसमेंट करना है कि कितनी अच्छे से वो बोल पा रहे हैं, कितनी उनकी फ्लुएंसी है किसी भी लैंग्वेज को बोलने की, बच्चों की, उसका असेसमेंट करना है, जैसे कि रूब्रिक यानी कि टाइटल, हेडिंग और डायरेक्शंस देके, तो उनमें से इन चार ऑप्शन में से क्या चीज़ यूज़ होगी, क्या चीज़ करेक्ट होगी। फर्स्ट ऑप्शन है कैन एक्सप्रेस विद सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएसी ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक्सप्रेस करने में, क्योंकि वो कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उसको कॉन्स्टेंट तो नहीं रखते हैं जो अपने इमोशंस और एक्सप्रेसिंग वे है उनका लैंग्वेज को बताने का, एक्सप्रेस करने का, वो कितना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं बच्चे, और कितनी अप्रोप्रिएसी उनमें दिख सकती है टॉपिक को, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में। सेकेंड ऑप्शन इज कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप सिंपल कन्वर्जेशन ऑन अ फेमिलियर टॉपिक। वो स्टार्ट कर सकते हैं कि लॉजिकली डेवलप करना किसी भी सिंपल कॉन्वर्जेशन या टॉपिक को, फेमिलियर टॉपिक जो होते हैं जिनसे हम वाकिफ होते हैं उनको, उन पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं लॉजिकली डेवलप करना। और थर्ड ऑप्शन है इज़ ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिबल यूज़ अप्रोप्रिएट इंटोनेशन। ये हमेशा कॉम्प्रिहेंसिबल होती है और अप्रोप्रिएट इंटोनेशन यूज़ करती है। फोर्थ ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेट हेजिटेशन टू फाइंड वर्ड्स और यूज़ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि वो जो बच्चों की घबराहट होती है एक्सप्रेस करने में उसको डिमॉन्स्ट्रेट दिखाती है और फाइन करती है वर्ड्स को टू यू और यूज़ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर पाएँ, इस चीज़ को वो ढूंढती है। तो अगर हमें रूब्रिक मतलब डायरेक्शंस प्रोवाइड करना है, टाइटल हेडिंग देकर उन्हें असेसमेंट करना है उनकी फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज को और कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज को, जनरल सेंस जो देती है कंटेंट लैंग्वेज में, तो हम इसमें से यूज़ करेंगे क्वेश्चन 4 डिमॉन्स्ट्रेट हेजिटेशन टू फाइंड वर्ड्स और यूज़ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि हम उनकी हेजिटेशन कहाँ आ रही है ये चीज़ उनको दिखा पाएँ, ठीक है, डायरेक्शंस के थ्रू यानी कि रूब्रिक असेसमेंट के थ्रू, ठीक है, और वो करेक्ट यूज़ समझ पाएँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, 115 का ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट 116। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव मेथड डिफाइंड बाय NCF 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल कौन सा होता है, 5th से ऊपर का, ठीक है।
जनरली ठीक है, और इसमें पूछा है कि NCF 2005 के जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं उसमें से कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल नहीं होता है, नहीं माना जाता है, नहीं है इन ऑप्शन में से जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं अपर प्राइमरी लेवल में इंग्लिश पढ़ाने को लेकर। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट, टू नेगोशिएट देयर ओन लर्निंग गोल्स एंड इवेल्यूएट देयर ओन प्रोग्रेस, एडिट, रिवाइज, रिव्यू देयर ओन वर्क। नहीं, ये तो किया गया है कि उनकी खुद की लर्निंग वो नेगोशिएट कर पाएँ, खुद का समझ पाएँ कि वो कितना सीख रहे हैं, खुद से समझ पाएँ, खुद से अपना इवेल्यूएशन कर पाएँ, खुद से अपनी चीज़ को सुधार पाएँ, एडिट कर पाएँ और ख़ुद ही प्रोग्रेस अपनी मेजर कर पाएँ, ठीक है। सेकेंड, टू यूज़ डिक्शनरी सुटेबल टू देयर नीड, यूज़ उसमें डिक्शनरी का यूज़ सुटेबल यूज़ भी लिखा गया है कि डिक्शनरी का यूज़ भी हमें करना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि उन डिक्शनरी का यूज़ करना सिखाना। टू बी एबल, थर्ड ऑप्शन, टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली। ओके, तो इसमें कहा गया है कि वो उनके क्या पर्सनल रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या वो फीडबैक देते हैं, इस चीज़ को वो आर्टिकुलेट कर पाएँ, मतलब खुद कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, उसमें कुछ अगर गलतियाँ भी हैं या हेजिटेशन भी है वो दूर कर पाएँ उसको दोबारा बनाने में। फोर्थ ऑप्शन इज़ टू प्रमोट लर्नर्स कौन, ये भी थर्ड ऑप्शन भी था NCF के ऑब्जेक्टिव में। फोर्थ ऑप्शन है टू प्रमोट लर्नर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं जिसमें हेडिंग भी होती है, पैराग्राफ भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी इंक्लूड करते हैं, उसी चीज़ में उनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन को प्रमोट करना, ये गलत है कि ये तो एक तरीके की रोट लर्निंग हो गई है, उनकी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी नॉलेज, इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर मतलब फुलफिल नहीं होता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है कि NCF इसको, इस ऑब्जेक्टिव को नहीं मानता, नहीं दिया उसने, डिफाइन नहीं हुआ वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है ऑप्शन 4। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 117। ओके, If you are listening to the description of how to teach a specific location, then you are doing, अगर हम किसी description को सुन रहे हैं कि हमें किसी location पर कैसे पहुँचना है, तो हम उस चीज़ को सुनकर हम क्या शो कर रहे हैं, क्या वो हमारी कैजुअल लिसनिंग है, फोकस लिसनिंग है, इंटेंसिव लिसनिंग है या एक्सटेंसिव लिसनिंग है। अब आंसर करने से पहले हमें इन चारों का मतलब समझना होगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इज़ कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग वो होती है जो जिसमें हम ज़्यादा अटेंटिव वे में नहीं सुनते हैं, अटेंटिव वे में हम लिसन करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस तरीके से नहीं सुनते हैं किसी चीज़ को। फोकस लिसनिंग जिसमें हम पूरी अटेंशन के साथ सुनते हैं, फोकस करके एकदम कॉन्सेंट्रेशन हमारा हाई रहता है उसमें सुनने का। इंटेंसिव लिसनिंग वो होती है जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, किसी एक टॉपिक पर या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर उसकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में सुनते हैं। और एक्सटेंसिव लिसनिंग वो होती है जब हम, जैसे कोई टीचर हमें, कोई भी हमें किसी स्टोरी की समरी बता रहा है या फिर जिस्ट बता रहा है किसी पोएम की, उस चीज़ को सुनते हैं, उसको एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। अब इसमें हम वो क्या बता रहा है कि किसी जगह को, स्पेसिफिक लोकेशन को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि हमें वहाँ पे कैसे पहुँचना है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इंटेंसिव लिसनिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। ओके, अब आते हैं 118। इफ़ अ लैंग्वेज टीचर हैज़ पुट द वर्ड स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्योन इन अ ग्रुप, देन शी इज़ फॉलोइंग। अगर लैंग्वेज टीचर कोई भी लैंग्वेज टीचर है, अगर वो इन सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में रख रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, इस चीज़ को शो क्या हो रहा है इससे, जैसे कि वर्ड्स हैं स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्योन। अब ऑप्शन देखते हैं। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है। लेक्सिकल ग्रुपिंग वो होती है जब हम किसी सेम टॉपिक वाले वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि सेम टॉपिक, जैसे कि हमने लिखा कैट, डॉग, रैबिट, ये सेम कैटेगरी में आते हैं ना, एनिमल्स हैं ये, तो ये सेम टॉपिक, एक टॉपिक है एनिमल, इसी सेम टॉपिक पे बात हो रही है, उनका ग्रुप बना रहे हैं हम, कैट, डॉग, रैबिट,
ठीक है, ये एग्जांपल हुआ लेक्सिकल ग्रुपिंग का। अब सेकंड है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब होता है जैसे कि हम उन वर्ड्स का, उन लेक्सिकल वर्ड्स का ग्रुप बना रहे हैं जो उनको मीनिंग, उनके मीनिंग को देखकर, ठीक है, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक टॉय है, एक टॉय है ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक है आपके पास क्यूब जैसा, उसको हम क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है? तीन तरीके के मतलब निकलते हैं उसके। ब्लॉक भी बोल सकते हैं उसे हम, एक टॉय भी बोल सकते हैं और एक क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो, ये चीज़ एक ही कैटेगरी में आ गई, दैट इज़ ओनली टॉय ब्लॉक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल द सिमेंटिक ग्रुपिंग का, जिसमें हम लेक्सिकल वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं उनके मीनिंग को देखकर, मीनिंग के अकॉर्डिंग। नाउ फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक का मतलब होता है जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट को बोलते हैं, जैसे एस ए, ठीक है, उनको हम बोलते कैसे, जो उनकी वो निकलती है वॉइस, ठीक है, उनके बेस पे जब हम ग्रुप बनाते हैं, मेक एंड परसीव साउंड, जो साउंड होती है उनकी, एस की, ए की, बी की, ठीक है, इनके बेस पे हम उनका ग्रुप बनाते हैं वर्ड्स का, उसे फोनेटिक ग्रुपिंग कहते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग वो होती है जब हम किसी चीज़ की कैटेगरी या क्लास को देखकर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कैटेगरी या क्लास को देखकर ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि स्कूल, टीचर, मास्टर, हेडमास्टर, प्यून, इसका आंसर सही माना जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग जहाँ पे हम मतलब देखकर उसका ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, लेक्सिकल वर्ड्स का, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्यून। इसमें कैसे बन रही है सिमेंटिक ग्रुपिंग की, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्यून, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप मिल सकते हैं, जैसे कि हेडमास्टर स्कूल में भी होते, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो, एक स्कूल है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टीचर भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, प्यून भी वहाँ मिल जाएंगे और हेडमास्टर भी वहाँ मिल जाएंगे। मीनिंग के अकॉर्डिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन सारे चीज़ों को ग्रुप किया गया है, इसलिए ये सिमेंटिक ग्रुपिंग कहलाएगा। इसका सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू, सिमेंटिक ग्रुपिंग। ओके, 118 का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 119। ओके, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, डैश में भी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड अवेयरनेस टू द वर्ल्ड, NCF 2005। NCF 2005 के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज लर्निंग की, जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, शुरुआत की जो स्टेजेस होती हैं उसकी, क्या क्या हम फॉलो करते हैं, किस चीज़ से हम गुजरते हैं सीखने के टाइम, वो कौन सी लैंग्वेज है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से, जो कि एक लर्निंग एक्टिविटी के लिए क्रिएट कर सकती है, जो कि एक लर्निंग एक्टिविटी है क्रिएट कर सकती है बच्चों में, कि वो उनको पूरे वर्ल्ड से अवेयर कराए। आप पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, हम जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसे मानते हैं वो है इंग्लिश। अगर हमें कहीं भी दूसरे देश में जाना है तो हम इंग्लिश बोलकर ही तो किसी को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। इसका सही ऑप्शन इंग्लिश है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम पूरे वर्ल्ड से हमें अवेयर करना है तो हम इंग्लिश का यूज़ करके करते हैं। अगर इसमें सेकेंड ऑप्शन देखिए वर्नैक्यूलर लैंग्वेज, थर्ड है सेकेंड लैंग्वेज, फोर्थ है हिंदी, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज हम यूज़ करके, पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी को कोई आती है, किसी को कोई आती है, लेकिन सबकी अपने अपने देश की अपनी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। बट हम जब भी किसी फॉरेनर से इंटरेक्ट करेंगे तो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, वो भी इंग्लिश यूज़ करेंगे, हम भी, जिस वजह से हम उस इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड से अवेयर कराने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है NCF के अकॉर्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। ओके, ऑप्शन नंबर वन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 120। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनंसिएशन इन डैश मैथड। इनमें से जो चार मेथड दिए हैं, ऑडियो लिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन, CLT, SLT, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें लिटिल और नो अटेंशन, मतलब
या तो थोड़ी अटेंशन दी जाए या दी ही ना जाए वो प्रोनंसिएशन को, ठीक है? इनमें से कौन सा मेथड है वो जिसमें लिटिल अटेंशन या अटेंशन दी ना जाए प्रोनंसिएशन को, ठीक है? अब हम पहले मतलब जानेंगे इन चारों का. ऑडियो लिंगुअल कौन सा मेथड होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं. किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नेटिव लैंग्वेज यूज़ ना करके. नेटिव लैंग्वेज मतलब कि जो सब बच्चे ईजीली समझ पाएँ, ठीक है? डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को सिखाने में. तो प्रोनंसिएशन को तो इसमें इम्पोर्टेंस एक मिनट, हाँ, प्रोनंसिएशन को इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है. नाउ ऑप्शन नंबर 2, ग्रामर ट्रांसलेशन. ग्रामर ट्रांसलेशन में वो मेथड होता है जिसमें हम वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? तो इसमें ग्रामर रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेमोराइज़ कराए जाते हैं बच्चों ग्रामर रूल्स. इसमें प्रोनंसिएशन और वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दिया जाता. तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा कि प्रोनंसिएशन को यहाँ पे लिटिल और नो अटेंशन दी जाती है, ठीक है? नाउ ऑप्शन 3 अगर हम जाने, CLT क्या होता है. CLT होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. आप लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. ये वो मेथड है जिसमें हम कम्युनिकेट करके, इंटरैक्ट करके, बातचीत करके हम एक दूसरे को चीज़ें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. इंटरेक्शन करके हम चीज़ें सीखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है? लैंग्वेज को यूज़ करके. और SLT क्या है? SLT वो है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग. कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड टीचिंग. जैसे कि हमने कोई एक सिचुएशन ले ली, उसको लेकर हमने पूरा टॉपिक या कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज पढ़ाई बच्चों को, ठीक है? सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग में वोकैबुलरीज और रूल्स पर ज़्यादा फोकस, दोनों पर फोकस होता है. और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में भी दोनों चीज़ पे फोकस होता है, बट वोकैबुलरीज पे थोड़ा कम होता है, ठीक है? पर इसमें वेरियस इंट्रैक्शन होते हैं. तो लिटिल और नो अटेंशन किस प्रोनंसिएशन किस मेथड में दी जाती है? ग्रामर ट्रांसलेशन. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है? नाउ ये पूरा पार्ट हो गया है. अगर यहाँ पर मैंने सिर्फ 106 से 120 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इंग्लिश के, मतलब सॉल्यूशन दिए हैं. अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो जो कि जिसमें प्रोज और पोएट्री भी के सॉल्यूशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो पार्ट है इंग्लिश का जिन्होंने सीटेट पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट फिल किया था, ठीक है? ये वो पार्ट है इंग्लिश का, ठीक है? चलिए, हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप को जो भी इसमें लगता है तो आप कमेंट में बोलिएगा कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच.